नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां हुसैनाबाद घंटाघर पर चल रहे प्रदर्शन के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन सीएए को लागू करने के खिलाफ चल रहा है। ठाकुरगंज थाने में ये नई एफआईआर स्थानीय चौकी इंचार्ज ने कराई है, जिसमें 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें चर्चित शिया धर्मगुरु डॉक्टर तलवीर सादिक के बेटे तलवीर सुत्तैन भी शामिल है। इन पर बिना अनुमति जुलूस निकालने का आरोप है। लखनऊ के घंटाघर में प्रदर्शन लगातार जारी है, आपको बता दें, और इसके साथ ही कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। अब नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप है इन लोगों के ऊपर। बता दें आपको कि डॉक्टर कलवे साबित के बेटे भी शामिल हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, लगातार प्रदर्शन जारी है घंटाघर पर सीएए के खिलाफ, और वहीं कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। अब एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी है उमेश? देखिए, जिस तरह से घंटाघर पे जो है तमाम लोग जो है सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। उसी क्रम में आज जो ठाकुरगंज प्रभारी निरीक्षक है प्रमोद मिश्रा ने 10 नामजद लोगों पे और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई गई है आज। और लगातार इन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि बिना अनुमति के ये जुलूस निकाल रहे थे। प्रशासन ने इसी मामले को संज्ञान में लेकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साहब, देखिए जिस तरह से सिया धर्मगुरु कलवे सौगात के बेटे समेत ऐसे तमाम 10 लोग हैं जिनको नामजद किया गया है। बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अज्ञात में मामला दर्ज किया गया है। तो ऐसे में प्रशासन किसी भी मामले को लेकर लापरवाही नहीं बरतना चाहता। जिस तरह से सीए को लेकर लगातार एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, घंटाघर के आसपास तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक नजीर है कि जिस तरह से प्रशासन अब एक कदम बढ़ाकर लगातार कार्रवाई की तरफ अग्रसर है। जी लेकिन उमेश, देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लखनऊ में भी खुद अमित शाह ने रैली की थी, लोगों को जागरूक किया था, लेकिन कुछ इसका खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सीएए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। तो किस ओर इशारा कर रहे हैं ये हालात, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जागरूकता अभियान फेल होता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का सीएए को लेकर जो चल रहा है। उमेश, बिल्कुल अदिति, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इसके खिलाफ जो है तमाम जनसभाएं कर रही है, तमाम लोगों को आयोजन करके उनको समझाया जा रहा है आखिर इससे क्या फायदे हैं, किसी को नुकसान होने की जरूरत है, किसी जात विशेष को नुकसान नहीं है, किसी समुदाय के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लगातार उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरह से एक समुदाय के लोग पूरी तरह से जो तमाम लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन के लोग इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन अब इस मूड में आ गया है कि जो भी लोग कानून का धारा 144 का उल्लंघन करेंगे, बिना अनुमति के किसी जुलूस निकालेंगे, किसी स्थान पे एकत्र होंगे काफी संख्या में, उनके खिलाफ प्रशासन के अधिकारी अब कार्रवाई करेंगे। और उसकी ही नजीर है जिस तरह से कुटू के बेटे समेत तमाम अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ नामजद, तमाम के खिलाफ अज्ञात, और भी आगे कार्रवाई होगी अगर इस तरह का कोई क्रियाकलाप करता है, इस तरह का कोई आयोजन करता है, इस तरह का कोई प्रोग्राम करेगा जहां पे कानून का उल्लंघन होगा वहां पे प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। उमेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।